हेलो कैसे यार, वापस से आ चुके एक और रेंट टू द डेड टू के एपिसोड में। तो भाई आज फिर से खेलने वाले चैप्टर टू एम्प्टी ब्रेथ, और ये स्टेज नंबर 8। ठीक है, इसके जरा ये देख लूँ टास्क क्या है। सर्वाइव गेट 40 किल 70 किल, किल 10 रनिंग ज़ॉम्बी, गेट 30 असॉल्ट राइफल किल। ठीक है, तो असॉल्ट राइफल यही है अपनी, और दूसरी लूंगा मैं एब्सोल्यूशन। आओ चालू करते हैं। ओके तो हाँ, जो मेरे साथ हरकत हुई थी उसके बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया। तो भाई फिर से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। अरे यार ये कहाँ से माइक गिर गया भाई, माइक का भी अजीब सीन है। ओके तो मेरे को रनिंग ज़ॉम्बीज भी मारने। ओके भाई ये केवन स्ट्राइकर का भाई डैमेज तो बहुत है। ये देखो, देखा आपने पियर्सिंग एमो, एक के पीछे एक था, दोनों को डैमेज जाएगा और मरेंगे भी दोनों। अगर मतलब कोई ज़्यादा हैवी ज़ॉम्बी नहीं आया तो दोनों जाएंगे, वरना तो एक ही मारती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, मतलब अभी इतना डैमेज है नहीं, क्योंकि भाई ये वाली जो गन है इनके पार्ट वार्ट मिलते हैं नहीं आसानी से। ये चीज मैंने देखी गेम में। और मैं कहाँ चल रहा हूँ भाई, ये सीरियसली स्टेशन पे चल रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है। ओके तो अभी मैं यही चलाने वाला हूँ। ये देखो ये रहा रनिंग ज़ॉम्बी, इसे भी पहला आ जा बेटा रनिंग ज़ॉम्बी, सबको भगते भगते पहलूंगा। मैं भी भग रहा हूँ, तुम भी भग रहे हो, वाह क्या बात है। ओके सारे जा रहे हैं, अब पियर्सिंग है वो भाई, 17 गोली है अभी, गोली काफ़ी रहेंगी है ना। अगर मैं ऑटो नहीं करूँगा तो गोली इसकी बचती रहेंगी, अभी नहीं पता। लेफ्ट साइड जाऊँ क्या, एमो ग्रेड कहाँ मिलेगी पता नहीं, मैं लेफ्ट चला गया। और कितनी लाशें हैं, क्या पड़ा है नीचे, जा पूछ क्या। ओके गेट 30 असॉल्ट राइफल किल, तो भाई हो गया ये तो हो गया। और कौन सा मिशन था देखूं, और है किल 10 रनिंग ज़ॉम्बी, गेट 70 किल, 70 किल यार देखने। ओके अभी तो डिस्टेंस है, 70 किल ले सकते हैं ना गाइस, आओ 70 किल भी फिर कर लेते हैं। इसे अभी मैंने कर दिया सेमी ऑटो। ठीक है, ये देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है ना जब ये सेमी ऑटो होती है तो इसमें ज़्यादा डैमेज आता है, मतलब आवाज़ सुनो, आवाज़ इतनी तेज आती है जैसे भाई सबको पेल लगी कतई, आवाज़ से ही पता चल जाता है कि क्या दम है। देखो ये देखो भाई क्या आवाज़ है, अरे बाबा, और पूरा सिर अलग कर देती है भाई साहब। ओके अभी क्रेड मेरे को दिख गई, एमो वैसे भी मेरे पे कम हो रहा है, देखना ये है कि मैं 70 किल करूँगा कि नहीं। अरे इसी का एमो दे पड़े हैं भाई ये लोग भी ना, उसका दें तो, उसका क्यों नहीं दे रहा पता नहीं। ओके 14 एमओ काफ़ी है। और इसमें एक और चीज़ है, इस गन का एमओ कब भाई खुद भरने लगता है कभी कभी, एक दो इसका वो फ्री में मिल जाता है यार। 70 किल गाइस हो जाएंगे मेरे को पता नहीं, फिलहाल मैं बुरी तरीके से पेल रहा हूँ। ओ भाई हो गए, क्या बात है भाई, क्या बात है सर क्या? अरे ये कहाँ पे आया भाई, ये तो पेल देता। ओके भाई अभी मैंने ये ले लिया अपनी K1 स्ट्राइकर लेमर, ऑटो पे करूँ ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना। अभी रुको, अब इसे रिलोड करने दो, अब मैं चलाऊंगा अंधाधुंध। अभी रुको, अरे यार झुंड नहीं आ रहा, अभी देखो ज़ॉम्बी ज़्यादा आ गए। आओ भाई साहब पेलते हैं, ये देखो भाई साहब क्या चलती है, मतलब मज़ा आता है भाई, है फुल रियलिस्टिक। इसे भी ऑटो पे करेंगे और सारी गोली बर्बाद करूँ, कोई आ नहीं जाए भाई वरना पिल जाऊँगा मैं। ओके हो गया कम्प्लीट। आओ देखते हैं कहानी में क्या चल रहा है इनकी। कैन यू हियर मी, ओके थैंक गॉड वी गॉट आउट, वी आर ऑन द रूफ नाउ, वी क्लाइम्ब आउट ऑफ शेयर। ओके अच्छा ओके, कैन यू सी द कार, कौन सी कार, आई जस्ट नीड टू मेक अ डिस्ट्रैक्शन। अच्छा ओके का ये इतना बोल के यहाँ से चल देता है। ओके तो यहाँ पे चेक करते हैं, आओ क्या क्या मिला मेरे को रिवॉर्ड में। अरे यार ये तो बेकार है भाई, इसमें सारी चीज़ें बेकार है। बैंडेड T9 पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, ग्रेनेड मिल जाए, ग्रेनेड फिर भी काम। ओके भाई क्या लक है, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, ग्रेनेड बोला वही मिला। तो फिलहाल के लिए इतना ही, 10 वाली वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब मार के जाना।